इसमें सरकार लड़वाने के काम कर रही है हम बैकवर्डों को, जो कि सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये जो परंपरा चली आई इसको जीवित रहना चाहिए। हम लोग इसका सरकार का जोरदार तरीके से अपने समाज की ओर से, अपनी ओर से मैं विरोध करता हूं। ये आरक्षण गलत है, ये यूपी गवर्नमेंट की अपनी साजिश है। साजिश के तहत हम जो बैकवर्ड लोग हैं इनको तोड़ने की इनकी साजिश है कि हम लोगों को अलग अलग बांटने काम कर रहे हैं। इनको आरक्षण अगर देना हो तो अलग से आरक्षण दे। सामान्य वर्ग के जो आरक्षण हमारे यहाँ लोग आते हैं, सामान्य वर्ग जो आते हैं परीक्षा के अंदर, उनके अंदर उनको मान्य नहीं दिया जाता है सामान्य में, तुम सामान्य में जाओ। और उसके बाद ये जो नया योगी सरकार ने किया इसका हम लोग जोरदार तरीके से विरोध कर सड़कों पर उतर कर मैं लोग विरोध करेंगे। 2019 के चुनाव को देखते हुए ये जो उत्तर प्रदेश सरकार करने का काम कर रही है, इसका पूरी तरीके से इसकी साजिश है। और इसका जोरदार तरीके से हमारे जो 85% लोग हैं, मैं इनसे मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध होना चाहिए, ये हम लोग के साथ साजिश करने का काम न करें। देखिए, मैं इसका समर्थन या समर्थन न करने की बात में है, क्योंकि अगर 27% सरकार ने अगर आरक्षण दिया है तो इसमें कुछ जातियों को उन्होंने भी 7% के लिए अलग कर दिया है। हम लोगों की तो ये पूरी दूसरी डिमांड है। हम लोग बिहार में आप देखिए कि चौरसिया समाज सारे क्षेत्रों में तो कुछ न कुछ आगे बढ़ा रहा है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत पीछे है। और कोई समाज तब तक परिपूर्ण नहीं होता जब तक कि वो राजनीति के क्षेत्र में आगे ना आवे, उसके 2-4 सांसद 2-4-10 मंत्री न बने। हमारा समाज इस हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में हम लोगों के समाज को अति पिछड़ा का सम्मान दिया और हम लोग काफी खुश भी है वहां। उसी तरह मैं ये चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश के भी अंदर योगी सरकार चौरसिया समाज को अति पिछड़ा वर्ग में रखे, जो हम लोगों को जरूरत भी है। आपने 7% में, और अभी ये भी क्लियर नहीं है कि 7% मुझे क्या मिलने वाला है, तो ये एक लालीपॉप टाइप का हुआ, जो कि मैं इसका विरोध करता हूँ।